10 साल पहले शुभम दुबे के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बल्ले के ग्लव्स ही खरीद सकें। उनके पिताजी बद्री प्रसाद नागपुर शहर के कमल चौक में पान बेचकर जैसे तैसे गुजारा करते थे, लेकिन मंगलवार को न सिर्फ शुभम दुबे बल्कि उनके परिवार की जिंदगी ने पलट कर रख दी। राजस्थान रॉयल्स ने शुभम को 2024 IPL सीजन के लिए खेलने के लिए बड़ी कीमत में खरीदा। राजस्थान रॉयल्स ने शुभम पर 5.8 करोड़ रुपए का दाम लगाया। अब वह बेहद ही सुर्खियों में आ गए। शुभम और उनका परिवार तो खुशियों के समुन्दर में डूबे हुए हैं। उनके पास बोलने के लिए लफज तक नहीं है। उनके परिवार की इतनी बड़ी खुशी इससे पहले कभी नहीं मिली। TOI से बात करते हुए शुभम दुबे ने कहा, ये तो सपना लग रहा है। मैंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा खेला था, इसलिए नीलामी में चुने जाने की उम्मीद थी, लेकिन सच कहूँ तो इतनी बड़ी रकम की उम्मीद नहीं थी। मंगलवार शाम को कमल चौक स्थित दुबे परिवार के घर पर शुभम को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। उनके बीच शुभम बीच बीच में शुक्रिया करते जा रहे थे। 27 साल की उम्र में शुभम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गजब का रंग दिखाया। इतना नहीं, इस पूरे साल उनकी धमाकेदार पारियां भी हाईलाइट करती है। वह बड़े शॉट खेलने में भी काफी माहिर हैं। शुभम ने 7 मैचों में धुआंधार बल्लेबाजी की। उन्होंने 187.28 की स्ट्राइक रेट और 73.76 की औसत से कुल 222 रन बनाए। उन्होंने अपने 7 पारियों में बल्ले से 10 चौके और 18 छक्के जड़े। विदर्भ के लिए सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड भी शुभम के ही नाम है। वह बंगाल के खिलाफ सिर्फ 18 गेंदों में 50 तक पहुंचे। SMAT के सबसे बड़े लक्ष्य के पीछा करते हुए भी शुभम नाबाद रहे और 20 गेंदों में ही 58 रन जड़ दिए। इस पारी में उनके 3 चौके और 6 छक्के शामिल थे। ये स्ट्राइक रेट तो किसी सपने जैसा था। जी हाँ, उनका स्ट्राइक रेट 290 रहा।